एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन सूरत द्वारा देश के वनवासी बच्चों को डिजिटल साक्षरता हेतु बनाई गई एकल कंप्यूटर लैब मोबाइल वैन का शुक्रवार की सुबह उद्घाटन किया गया। फाउंडेशन के अग्रणी कपिल खाटूबाला ने बताया कि सांसद सीआर पाटिल एवं विधायक जंझना बेन पटेल द्वारा रिबन काटकर लोकार्पण किया गया। उसके बाद बस को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर सभी सदस्यों द्वारा भारत माता की जय का उद्बोधन करते हुए हवा में गुब्बारे छोड़े गए। अग्रवाल विद्या विहार स्कूल में सुबह 11 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में लोकार्पण के पश्चात ऑडिटोरियम में फाउंडेशन के भावी कार्यक्रमों में चल रही योजना एवं वन के बारे में विस्तार से बताया गया। एकल अभियान द्वारा संचालित एकल कंप्यूटर लैब देश की 10वीं एवं गुजरात की पहली बस है, जिसमें 9 लैपटॉप लगाए गए हैं। बस साउथ गुजरात के वनवासी क्षेत्र में जैसे कि डांग, तापी, नर्मदा, भरूच, दाहोद आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा देगी। वहीं इस मोबाइल वैन का लोकार्पण समारोह में एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन, ये जो बस सेवा आपने चालू की कंप्यूटर लैब, ये कहाँ कहाँ जाएगी और किन विस्तार में जाएगी? हमारा इसका सेंटर रहेगा सोनगढ़। सोनगढ़ से हमारे 100 विद्यालयों में जाएगी। 3 संच हमारे सोनगढ़ के पास हैं। 100 विद्यालयों में इसका कार्यक्रम रहेगा और ये प्रोग्राम हमारा करीब 1 साल में पूरा होता है। हर रोज 2 गांव ये करेगी और 2-2 घंटे का प्रोग्राम प्रशिक्षण का देते हैं। 36 घंटे का कोर्स ये पूरे 1 महीने में 3 महीने तक पूरा करती है। इसमें क्या क्या बच्चों को सिखाया जाएगा? इसमें बेसिक कंप्यूटर का जितना एजुकेशन है, एमएस ऑफिस है और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, कीबोर्ड की शिक्षा है, जो आज के दिन कंप्यूटर सीखने से पहले हम देते हैं, वो बच्चों को सिखाई जाती है ताकि बच्चे बड़े होके बड़े सेंटरों में जाके हमारे सेंटर पे आके फिर ले सकें। का नाम? सतीश खाटूवाला जी। क्या कुछ आज प्रोग्राम में खास था? आज ये बस है जो मन ने बनाई है एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन की तरफ से। हाँ। ये इंडिया की 10वीं बस है और गुजरात की पहली बस है। हाँ। इसका मेन टारगेट है कि जो गुजरात के आदिवासी एरिया है, साउथ गुजरात के, उनको हम टारगेट करके चल रहे हैं। वहाँ पे जो आदिवासी एरिया के जो बच्चे हैं, उनको साक्षरता, कंप्यूटर साक्षरता के लिए हमने ये बस बनाई है। इसमें टोटल 9 लैपटॉप लगाए, 9 लैपटॉप में एक साथ 18 बच्चे पढ़ाई करेंगे और ये हर 2 घंटे के लिए गांव में जाएगी। एक दिन में 4 से 5 गांव का राउंड मारेगी और सबको 2-2 घंटा पढ़ाएगी, फिर घूम के वापस उसी गांव में दूसरे दिन आएगी। ऐसे एक गांव में 15 से 20 दिन रुकेगी और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ल्ड है, पावर पॉइंट है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो पूरा है, वो इनको 20 दिन में ट्रेंड करेगी। और कितने बच्चों का टारगेट है? और इस प्रकार की अग्रवाल समाज, इस प्रकार का जो प्रोग्राम या हर समय समय, जैसे शादी का हो, क्या इसके अंदर ऐसा क्या कारण है जिस प्रकार अग्रवाल समाज ऐसे उत्थान के कामों में भाग लेता है? एक्चुअली में हम सूरत में बैठे हैं, यहाँ पे सूरत की नगरी से पैसा कमा रहे हैं, तो उसका सही उपयोग भी होना चाहिए, इसके लिए ये सब करते हैं। हमने यहाँ पे 63,000 बच्चों को टारगेट किया है पहले राउंड में एक साल में। और इसके साथ इसका जो हमारा मेन सेंटर है वो व्यारा में है, सोनगढ़ में। वहाँ पे हमने रोजगार से संबंधित और भी बहुत सारे कोर्स, फ्री ट्रेनिंग इन आदिवासी लोगों को देते हैं। जैसे महिलाओं को सिलाई है, कुकिंग है, ये सब। वहीं जेंट्स को प्लम्बर का काम सिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का काम सिखाते हैं, ताकि वो कमा के खा सकें। और ये हमारी तरफ से सब फ्री सुविधा उनको दी जाती है। क्या क्या संदेश देना चाहते हो? यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर अपन कुछ भी मानव की सेवा कर सकते हैं तो अपने को आगे आके आना चाहिए, करना चाहिए, वो चाहे किसी भी रूप में हो।